बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने 6th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1A भी कंप्लीट हो गई थी, सेकंड एक्सरसाइज 1B भी कंप्लीट हो गई थी और थर्ड एक्सरसाइज 1C भी कंप्लीट हो गई थी। तो इसकी एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। लिखा है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स। There are some special types of sets. Look at the following examples. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेट की टाइप है फाइनाइट सेट। अ फाइनाइट सेट कंटेन्स अ फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, लिमिटेड हो, यानी जिसको हम क्या करें, काउंट कर सकें, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे एग्जाम्पल है अ सेट ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो ईयर में जितने डेज होते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, बास का 365 होते हैं और बास का 366 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, लिमिटेड हो। उसके बाद सेकंड टाइप है इनफाइनाइट सेट। एन इनफाइनाइट सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, अनलिमिटेड हो या इनफाइनाइट हो, तो उसका हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने लिखी है डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स ग्रेटर देन 10, यानी 10 से ग्रेटर जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब इसमें इंक्लूड हैं। तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है यूनिट सेट की। अ यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। अ यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, ओनली वन एलिमेंट हो। जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए इज इक्वल टू 10, तो इसमें इस सेट में ओनली वन एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ यूनिट सेट। उसके बाद एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है। एन एम्प्टी सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कोई एलिमेंट ना हो, उसका हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह कर्ली ब्रैकेट से और यहाँ फाई के सिंबल से, ठीक है। सबसे पहले इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन पढ़ी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, लिमिटेड हो। इसके बाद इनफाइनाइट की पढ़ी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, अनलिमिटेड हो। उसके बाद हमने यूनिट सेट की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें क्या, नंबर ओनली वन एलिमेंट हो। एम्प्टी सेट में जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करते हैं। इन जो डेफिनेशन से हमने डिस्कस किए हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1D है, लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये कुछ सेट लिखे हैं, इसको उन्होंने कहा बताएं इसमें से कौन से फाइनाइट सेट्स हैं और कौन से इनफाइनाइट सेट हैं, ठीक है। सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो शहर हैं वो क्या है, लिमिटेड है, यानी उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या होगा, सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान इज़ फाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, लाहौर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या है, लिमिटेड है, यानी उसको काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये भी क्या होगा, सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर इज़ फाइनाइट सेट, ठीक है। जस्ट हमने इसके आगे लिख देना है इट इज़ अ फाइनाइट सेट, इज़ अ फाइनाइट सेट, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट होते हैं, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 और कोई लिमिट नहीं गिवन, तो ये क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे, इसलिए ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। आगे लिख देंगे इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, लिमिट नहीं गिवन, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, अनलिमिटेड है। उसके बाद सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा करें उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो भी क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे, उसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में जो वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू लिमिटेड है, काउंट कर सकते हैं, ये क्या होगा, फाइनाइट सेट, ठीक है, इट इज़ अ फाइनाइट सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें हम उनका लिस्ट बताएं कौन से एम्प्टी सेट हैं और कौन से नॉन एम्प्टी सेट हैं। एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो, सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के बिटवीन कोई होल नंबर नहीं, 9 के बाद 10 आता है, तो ये क्या होगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994 से पहले जिन लोगों ने मार्स पे लैंड किया था वो कोई भी नहीं था, तो इसलिए ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, 4 और 6 के बिटवीन 5 आता है, ये क्या नॉन एम्प्टी सेट, इसलिए क्या होगा, इट इज़ अ
नॉन एम्प्टी सेट, सेट ऑफ इवन प्राइम, इवन प्राइम हमारे पास टू है, ये भी क्या होगा नॉन एम्प्टी सेट है, इसलिए क्या होगा इट इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। सेट ऑफ थ्री डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000, ये हमारे पास फोर डिजिट है, इसके ग्रेटर जो भी नंबर होगा वो भी क्या होगा फोर डिजिट होगा, तो ये भी क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू नॉन पैरेलल लाइंस, टू नॉन पैरेलल लाइंस, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस है, ये भी इट्स कैन नॉट मीट एट एनी पॉइंट, यानी आगे जितना मर्जी इंक्रीज करते जाएँ किसी भी पॉइंट में आपस में मीट नहीं करेंगे, जबकि ये हमारे पास है नॉन पैरेलल लाइंस, इसको आपस में नॉन पैरेलल आपस में एक पॉइंट पे मीट करेंगी, तो हमारे पास ये क्या होगा नॉन पैरेलल लाइंस मीट करती हैं, तो इसमें एक एक वन पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्या होगा नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है।